अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और मैं एक फार्मेसी पे काम करता हूँ। दिन ब दिन मेडिसिन इतनी महंगी होती जा रही है, गवर्नमेंट का या इधर का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई फार्मेसी वाली जो है, मेडिसिन वाली कंपनी है, उनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। एक मेडिसिन है हेमोल 730, जैसा कि आप सबको पता कि वो शार्ट हुई है। मैं पिंडी में काम करता हूँ, रावलपिंडी में फार्मेसी पे, तो यहाँ तो वो शार्ट है, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट है। तो इसी तरह की एक मेडिसिन आती है इंसोकट 730, तो जनाब वो थी 650 की, अब उन्होंने कर दिया 718 रुपये की। क्योंकि हेमोलिन शॉर्ट भी है, मिल नहीं रही है, तो लोग जो है बेचारे मजबूरन इंसोकट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंसोकट वो दवाई जिसे कोई पूछा नहीं था, बड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाया करती थी फ्रिज के अंदर ही। लेकिन अभी इसका आलम यह है कि अब चल रही है, मैं खुद भी ये अपने अबू के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हेमोलिन शार्ट नहीं आ रही। तो आलम इसका यह है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना, अल्लाह भला करे, इसका रेट जो है ना 650 से 738 रुपये हो गया जी, 18 नहीं सॉरी 738 रुपये इसका रेट हो गया। और इस तरह एक और सिरप है असानिक, पिछले हफ्ते उसका रेट था 270 रुपये, अभी उस्मान आया आज तो पता लगा जी कि 290 रुपये का हो गया। और इस तरह की बेशुमार मेडिसन है जो महंगी होती जा रही है, होती जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो बस जी, मैं इतना सा पैगाम देना चाहता था अपनी गवर्नमेंट को, अपने इदारों को, कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है, आपको गरीबों का ख्याल करें, कम अज़ कम मेडिसिन जो है ना वो महंगी ना करें। जो कंपनियाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे पूछिए, यार आप चीज़ें इतनी महंगी क्यों करना, ये काम आखिर गवर्नमेंट का है, इदारों का है, कोई भी हो। मैं बस एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते ये दरख्वास्त करता हूँ बार बार कि कम अज़ कम मेडिसिन जो है ना उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और मेडिसिन महंगी ना हो। क्योंकि इस पर आप हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को, कि ये कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे पैंडा वाला यहाँ के पीछे चलें एग्ज़ाम चल जाता है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी जिनसे आपकी ज़िंदगी जुड़ी होती है, जैसे इंसुलिन है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।